ये इंसानों का स्टेशन है कि जानवरों का? कोई सांप लेके घूम रहा है, कोई घोड़ी लेके घूम रहा है। हम तुम्हारा मेहमान है। मेहमान बन के आते हो, फिर 200 साल राज करके बाहर भाग जाते हो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। मैंने स्कूल में फ्रेंच लिया था क्योंकि टीचर बहुत खूबसूरत थी। कौन सी दो चीजें हैं जो ब्रेकफास्ट में नहीं खाई जा सकती? लंच एंड डिनर। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। डिपार्टमेंट वालों का कोई भरोसा नहीं है, कहीं पे भी ड्यूटी लगा देते हैं। मिनिस्टर ने आना होता है मुंबई, हमें कुत्ते पकड़ा के दिल्ली खड़े कर देते हैं। समझ में नहीं आता हम चोर पकड़ने आए कि कुत्ते घुमाने के लिए आए। अच्छा आज खैर मेरी ड्यूटी इसलिए लगी है, हमारे कमिश्नर साहब जो है उनके जीजा जी यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी टिकट कन्फर्म नहीं हुई, तो कमिश्नर साहब का साफ ऑर्डर है कि जीजा तो जाएगा ही जाएगा, चाहे ट्रेन का ड्राइवर अगली ट्रेन से चला जाए। एक सेकेंड। हेलो जी, जी जय हिंद जनाब। हाँ जी वो जीजा जी, हाँ जी हाँ जी मैं स्टेशन पे ही हूँ जी। जीजा जी अभी मिला तो नहीं मैं। हाँ जी वो कहीं क्लब में जुआ खेल रहे हैं जी, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि कमिश्नर साहब के जीजा जी हैं, तब से वही जुआ जीत रहे हैं जी। हाँ जी ठीक है जी, ओके रखता हूँ जी, जय हिंद जनाब। बम्पर कहाँ मर गई तुम? यहाँ बाहर ना एक बंदा कमाल के आलू के पराठे बनाता है, बस वही चखने गई थी। चखने नहीं गई थी तुम, 3-4 दर्जन पराठे अंदर रखने गई होगी। ये इतना खाती मैं क्या बताऊं, उस दिन तो किसी शादी में गई, दही वाले टब में इतनी बड़ी पाइप डाल के पूरा दही चूस गई। बाद में कहती खट्टा ठीक है और ले आओ। अब सिद्धू जी आप ही बताइए, एक सैलरी में इतने बड़े पेट का गुजारा कैसे हो करना पड़ता है? हाँ तो खाने पीने का कम, अपने काम का ज्यादा ध्यान रखा करो। आ गया मैं। अरे आ गया आ गया। ओए इधर आओ। ये मुंह का उद्घाटन है तुम्हारा, इतना मुंह सजा के क्यों रखा है? और ये घोड़ी लेके इधर क्या कर रहे हो स्टेशन पे? अरे सर आप समझे नहीं, मेरी शादी आज है। घोड़ी से शादी कौन करता है? घोड़ी से शादी नहीं है। वही मैं सोचूं कि घोड़ी का इतनी बदकिस्मत है कि इस गधे से शादी करनी पड़ रही है। सर ये बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। हाँ तो आदत डाल लो, शादी की बात तो होती रहेगी। अरे एक बार बताओ ट्रेन में घोड़ी लेके कौन आता है? सर एक्चुअली क्या कि मेरी शादी राजस्थान में। अच्छा वहाँ पे तो ज्यादातर ऊंट होते हैं, तो मैंने सोचा घोड़ी मैं खुद साथ में लेकर चला जाऊँ। अच्छा अरे लेकिन जानवर ट्रेन में कैसे जाएंगे? जब इंसान जानवर बन के ट्रेन में जा सकते हैं तो जानवर क्यों नहीं जा सकते? आपकी ये कमाल की बात सुन के ना मुझे एक महान शायर के 2 शब्द याद आ गए। क्या? ए चल चल। कहाँ चलूं? कहीं चलने की जरूरत नहीं, अपना टिकट दिखाओ, पहले टिकट दिखाओ। है मेरे पास टिकट, ये लो। ये टिकट तो सिर्फ घोड़ी की कंफर्म है, तुम्हारी तो वेटिंग में है। घोड़ी की कैसे कंफर्म हो सकती है? वो लेडीज कोटा में हो गई होगी, हमें क्या पता। इसी सर ये हम एक्चुअली ना वो कमिश्नर साहब के जो जीजा हैं जी, उन्हें घोड़ी के साथ भेज दे। एक सेकंड, शादी मेरी है, उनके जीजा क्यों जाएंगे? अरे देखिए जीजा जी जो है उनको शादी का एक्सपीरियंस है, तो फटाफट शादी कर लेंगे और फिर अपने काम पे निकल जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मेरी जब खुद की शादी थी तो मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी। हाँ। तो मेरी जगह मेरे दोस्त ने फेरे ले लिए। तो वो तो दोस्त की बीवी हुई ना। हाँ तो जब दोस्त की शादी होगी तो हम फेरे ले लेंगे, इसमें क्या है? सर ये लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया। ये वाला पक्का समझ में आएगा आपके, आइए मैं बताता हूँ आपको। सर 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 मुझे जाने दीजिए प्लीज। फिर एक काम करो, अपने घर वालों को फोन लगाओ, उनको बोलो मैं पकड़ा गया। किस जुर्म में? अरे जिंदगी एक जुर्म है। हाँ? जिंदगी एक जुआ है। नहीं नहीं तो जुआ एक जुर्म है, ये तुमने अपने मुंह से बोल दिया। चलो यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट? हटाओ इसको। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत क्या, इतनी बड़ी तलवार लेके घूम रहे हो, यही सबूत है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं दूल्हा हूं, तलवार नहीं होगी क्या मेरे पास? तेरी बहुत जुबान चल रही है, चल अब कैसे जाएगा? मेरे पास टिकट मेल में भी पड़ा है। ओहो तो तुम एक मेल हो, तुम्हारे पास एक और मेल है, 2 मेल मिलके एक फीमेल को पटाने जा रहे हैं। देखिए सर। अरे यार वो मेल में और इस मेल में फर्क होता है। मेल मेल में फर्क करता है, रेसिस्ट कहीं के नीचे लिटा के ऐसी पिटाई करूंगा किसी से मेल मिलाप करने के लायक नहीं।
सर मेरी शादी है, प्लीज मुझे जाना दो। सर किसी और की टिकट कैंसिल कर दो प्लीज। ओ, तो तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा रिश्वत दी? तो दो ना, हिंट को समझो दो। रुको रुको रुको, ये रोटी का डब्बा लेके कहाँ घूम रहे हो? ए, हेलो, ये रोटी का डब्बा नहीं, ये मेरा पटारा है, इसमें सांप है, ये देखो। बच्चे 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 पागल, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये इंसानों का स्टेशन है कि जानवरों का? कोई सांप लेके घूम रहा है, कोई घोड़ी लेके घूम रहा है। अरे जब वो घोड़ी लेकर जा सकता है तो मैं सांप लेकर नहीं जा सकता? लेकिन उसकी तो शादी है। तो कोई बात नहीं, मेरा सांप उसकी शादी में नागी डांस करेगा, चार पैसे मेरे भी बन जाएंगे। सारी बातें छोड़ो बेटा, एक काम करो, इस दो मुंह वाले सांप को दूध पिलाओ, तुम्हारे पुण्य कटेंगे। ए, ए, सबसे पहले तो इसका टिकट चेक करेंगे सर, इसका भी और इसके ये दो मुंह वाले सांप का भी, यानी कि अगर पर हेड गिनते हैं तो तीन टिकट दिखाओ। हाँ इधर बताओ भी, टिकट कहाँ है तुम्हारे पास? हाँ टिकट तो मेरे पास है, पर वो सारे के सारे सांप के पास है, चेक कर लो। फिर आदमी झूठ थोड़ी ना बोलेगा। हाँ, वैसे भी इसकी टिकट चेक करते करते मेरा टिकट ना कट जाए। अरे सर कर लो, नहीं तो मेरे जीजा जी कैसे जाएंगे? जीजा जी को भेजना है तो कोई बात ही, एक काम करते हैं, ऐसा सेम एक चोला मेरे पास है, आपके जीजा जी को पहनाकर उनके गले में सांप डाल देते हैं, बाथरूम के बाहर बैठ कर चले जाएंगे, कोई नहीं पूछता। तो अगर सांप ने पूछ लिया कि जीजा जी कैसे हो तो उनका चोला तो गीला हो जाएगा कि नहीं? Excuse me. Rajasthan Express will depart from this platform. बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हुआ क्या? No, मैं पूछ रहा है कि Rajasthan Express इसी platform से जाएगा। मैडोना जैसे मुंह वाले जब इतनी अच्छी हिंदी आती है तो फालतू में कानून को क्यों गुमराह कर रहे थे? आप बताइए ना, ये ट्रेन सीधे राजस्थान जाएगी? नहीं 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 नहीं, सीधे सीधे नहीं जाएगी, ऐसे गोल गोल घूम के जाएगी। पागल आदमी, ऑब्वियसली ट्रेन है, सीधे सीधे ही जाएगी ना, लेकिन पहले ये एक्चुअली पंजाब जाएगी, उसके बाद यू टर्न लेके राजस्थान जाएगी। नो नो, बट राजस्थान तो पहले आता है। नहीं नहीं, पहले यहाँ पर पंजाब से एक मिनिस्टर आता है, फिर उसे छोड़ने हम पंजाब जाता है, उसके बाद ट्रेन यू टर्न लेके राजस्थान जाता है। चपड़ गंजू पागल। hey, आपको फॉरनर से बात करने का मैनस नहीं है? हम तुम्हारा मेहमान है। मेहमान बन के आते हो फिर 200 साल राज करके बाहर भाग जाते हो? अंग्रेजों भारत छोड़ो। तुम्हें पता है ये पूरा ट्रेन का पटरी हमारे पूर्वज ने बनाया है। पर तुमको पता है तुम्हारे पूर्वजों की क्रिएटिविटी के ऊपर, जो हमारे इंडियन सुबह सुबह क्रिएटिविटी दिखाते हैं, कितनी भारी पड़ती है? पटरी तो बना के चले गए, लेकिन हमसे हमारे मसाले ले गए, हमारा हीरा ले गए। निकालो हमारा हीरा, निकालो हीरा। हम कहां से निकालेगा, वो तो हमारे पूर्वज ले गया। तो अपने पूर्वज निकालो। अरे सारी बातें छोड़ो, टिकट कैंसिल करवाओ, जीजा को नहीं भेजना। Who's जीजा? जीजा मतलब जैसे आपके उधर सिस्टर वीकेंड पे सैटरडे पे एक लड़के के साथ आती, बोलती है ये मेरा फ्रेंड है। तो वही फ्रेंड इधर जीजा होता है, पर ये हर वीकेंड पे सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। Oh, that's जीजा। क्या? Oh my God. बंपर जाके चेक करो जीजा जी क्लब से आए कि नहीं आए, इनका टिकट मैं कैंसिल कराता हूं। वो तो मैं देख के आती हूँ, मैं अपने टाइम पास के लिए जरा सपेरे को साथ में ले जाऊं। ए, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? ए, तेरे से पूछा किसी ने? ये काम करो, मेरे सांप को ले जाओ। अच्छा बात सुनो, अंग्रेज वैसे आए कहाँ से हो? मैं गोवा से। यार एक बात बताओ, भारत तो तुम लोगों ने 1947 में छोड़ दिया, गोवा को क्यों नहीं छोड़ते? क्यों उधर उल्टे लेटे रहते हो बीच पे? समझ में नहीं आता। सर लेकिन एक बात बताओ, गोवा है बहुत ही कमाल की सिटी, मतलब लड़कियां होती है छोटे छोटे कपड़ों में, मजा आता। जब तुम्हें पता है बाहर लंगर लगा हुआ है तो घर पे दाल क्यों बनवा रहा है, शादी क्यों कर रहा है? वैसे ये बताओ जा कहाँ रहे हो? मैं जयपुर जा रहा हूँ, वहाँ पे हवा महल देखने। हवा महल? हाँ। लगता है तूने आज का अखबार नहीं पढ़ा, हवा महल तो हवा में उड़ गया। Oh my God! कौन से अखबार में? अरे कौन से अखबार में क्या, जब हवा महल ही उड़ गया तो अखबार नहीं उड़ेगा, पागल आदमी। तो मैं गुजरात में उतर जाऊंगा। गुजरात वाले तो दिल्ली जाके बैठ गए, तुम गुजरात जाके क्या करोगे? तो फिर कहाँ जाओ, कोई अच्छा से जाके बताइए। Excuse me, हेलो, ट्रेन तो नहीं गई? Excuse me, कितनी तेज भाग रही हो, कोई ट्रेन से पहले ना पहुंच जाना तुम। अरे मैं अपने घर से भागी हूँ, मुझे जल्दी से शादी करनी है, ट्रेन। ओहो कोई बात नहीं, शादी करनी ना? हाँ। इधर रेडीमेड दूल्हा खड़ा है, इससे करवा देते हैं। सी, मुझे एक हैंडसम और डैशिंग लड़का चाहिए। सुनो ना,
थोड़ी सी शादी कर लो, राजस्थान तक ही कर लो। तेरे अंदर का दूल्हा बड़े उबाल मार रहा है बे, पीछे कर रहा है। लिसन अंग्रेज, यू हैव वायरलेस लैंडलाइन। व्हाट? मोबाइल यार, एग्जिट योर मोबाइल। ओके, मेरी इनके साथ एक सेल्फी लो, इनके आईडी पे डालो जरा। ओके, अरे इनकी आईडी पे क्यों? मेरी आईडी पे लाइक बड़े कम आते हैं। मैं कहता हूँ मेरे सांप की भी साथ में रख लो, ये पाउट बड़े अच्छे बनाता है। प्राउट के बाउल जैसे आदमी पिछड़े। आइए थोड़ा ऐसे करके लेते। स्टॉप इट, देखिए अगर आप इस तरह बदतमीजी करेंगे ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। क्यों, ये वाली पुलिस तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रही, दूसरी पुलिस बुलाने जा रही हो? ओके, मैं अभी कमिश्नर को फोन करती हूँ। हेलो हेलो, कमिश्नर सल्ला गुलाटी स्पीकिंग। हमें अभी भी पता चला है कि यहाँ पे आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। सल्ला, तुम कैसे आ गई? तुम तो हमारे साथ थी। कानून किसी का दोस्त नहीं होता। वाओ, इतना पोर्टेबल कमिश्नर। कमिश्नर मोहतरमा, आपके लिए केस है मेरे पास। एक बच्चे का ना डायपर खो गया, आप ढूंढ देंगी? ओएमजी मैम, ये किस तरह आपसे बात कर रहे हैं? आप कुछ करते क्यों नहीं? तुम पुलिस में हो, अपना आईडी दिखाओ। एक्सक्यूज मी मैम, ये इतना बुरा सलूक तो मेरे साथ भी नहीं हुआ, पता नहीं आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं मर्दों का लिहाज रख रही हूँ, इसीलिए आप एक एक की चेकिंग होगी। दूल्हे चलो अपना लाइसेंस दिखाओ। आपको शर्म नहीं आती है? एक दूल्हे से आप दहेज मांग रही हैं? हाँ। नहीं नहीं, लाइसेंस मांग रही है। नहीं, ये अभी लाइसेंस मांग रही है, थोड़ी देर बाद ये गाड़ी मांगेंगी, फिर पता नहीं और क्या क्या मांगेंगी। तुम रहने दो। मैं रहने कैसे दूं? मैं रहने लाई नहीं हूं, तो रहने कैसे दूं? गहने लाई हूं, गहने चाहिए तो दे सकता हूं। तुम चुप रहो, चलो अपना लाइसेंस चेक करवाओ। लाइसेंस? मेरा लाइसेंस तो साहब के पास है। रहने दो। नहीं नहीं, वो भी कैसे रहने दे, वो रहने लाए। और हाँ अंग्रेज, चलो तुमसे कुछ पूछताछ करनी है मुझे। सुनो कमिश्नर साहब, मुझे भी आपसे एक पूछताछ करनी है। क्या? आपसे किसने कहा था ये कॉस्ट्यूम पहन के आने को? मतलब तुम अकेली सारे पैसे कमा लोगे? नहीं, मैं ये पैसे हम लोग ऐसे नहीं कमा रहे हैं, हम लोग जीजा जी के लिए कमा रहे हैं, और इस नेक काम में जो भी चंदा इकट्ठा होगा हम सब मिलकर बियर पियेंगे। देखिए हम सब ने आपस में मामला जो है सॉर्ट आउट कर लिया है, अब आप लोग निकालिए पुलिस की फीस। एक्सक्यूज मी, पुलिस की कौन सी फीस? क्यों, डॉक्टर की फीस हो सकती है, पुलिस की फीस नहीं हो सकती? डॉक्टर तो इलाज करता है। तो हम आपका लिहाज कर रहे हैं। निकालिए फीस। एक मिनट, मुझे यहाँ पे दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं नहीं, मोटी इलायची होगी। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो टॉयलेट वहाँ पर है, अगर गड़बड़ लग रहा है ना। एक मिनट, टॉयलेट से याद आया, वो जीजा जी नहीं नजर आए, कहाँ है? एक मिनट, जीजा इधर है। मतलब मैं चेक कर रहा था कि किसी कमिश्नर की बातों में आकर तुम लोगों का ईमान तो नहीं डोलता। तो फिर आपको क्या लगा? मतलब डोलता है भाई, तुम्हारा पर्दा फाश हो गया है। यही है वो ईमानदार इंसान जिसकी वजह से आज सबके टिकट कैंसिल हुए हैं। पहले कदम पकड़ो, तोड़ना तोड़ना तोड़ दो, ले जाओ नहीं तो फेंक दो। जीजा, अरे आज यहाँ पे पूरा मराठी माहौल बनने वाला है, क्योंकि आज जो नामचीन हस्तियां यहाँ पे आने वाली हैं, ये मराठी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही नामचीन हस्तियां हैं। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर महेश मांजरेकर साहब और वेरी टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर मेधा मांजरेकर जी को। सर वेलकम वेलकम वेलकम, कैसे हैं आप? वेलकम मैम, जोरदार तालियां एक बार मिस्टर महेश मांजरेकर और मेधा मांजरेकर जी के लिए। महफिल में आज यारो रौनक नजारे आ गए, मानो कश्ती के पास चलकर खुद किनारे आ गए। मराठी सिनेमा को अपनी प्रतिभा से चमकदार बनाने वाले, हर दिल पे राज करने वाले ये रोशन सितारे आ गए। वाह,
सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले तो आपको फ्रेंडशिप अनलिमिटेड के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बड़ी इंटरेस्टिंग मुद्दे पे फिल्म बनाई है। पाजी आपको पता है इस फिल्म में महेश जी तो हैं ही, इनकी वाइफ मेधा जी हैं, इनके पुत्र सत्या ने भी काम किया है। तो सेंसर को आपने फिल्म दिखाई थी कि फैमिली देख के उन्होंने बोल दिया था कि फैमिली इसको सर्टिफिकेट भी फैमिली ऑडियंस को दिया? बिल्कुल यू सर्टिफिकेट नहीं दिया। नहीं, मुझे पहले ऐसे लगा, मैंने कहा यार पिता फिल्म में है, बेटा फिल्म में है, वाइफ फिल्म में है, मुझे लगा हो सकता है आपके घर वालों ने ऐसे घूमने की जिद की हो, चलो कहीं घूम फिर के आते हैं। तो इनके आइडिया आया कि चलो फिल्म ही लिख देते हैं, चलो खर्चा भी बच जाएगा, इसी बहाने पिकनिक भी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं सर कुछ? नहीं, आउटडोर शूट भी निकाला मैंने, इटली किया, स्विट्जरलैंड किया। तो मैं बोला जो शूटिंग और वेकेशन साथ में हो जाए। बहुत अच्छी बात है सर। वैसे सर एक बात बताइए, ऐसे ही जैसे वाइफ के साथ फिल्म करते हैं मजा आता है कि टेंशन वाला माहौल होता है? बेटर है, आंसर्स नहीं देने पड़ते क्या किया शूटिंग में, राइट? तो पूछते रहते हैं क्या कर रहे हो, कहाँ कौन सा शॉट चल रहा है। शॉट में भी फोन करके कहाँ हो, कुछ खाया, कुछ पिया। आधे ज्यादा टाइम वाइफ ना सुनती रहती है कि कोई आजू बाजू में आवाज आती है क्या। साउंड इंजीनियर बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो ये बेटर है तो साथ में लेके चलो तो टेंशन नहीं रहती। ओके, तो इसी टेलीफोन का खर्चा बच जाता है, राइट? और शूटिंग होती है। अरे मेरे जैसे घर में अक्सर पतियों को आदत होती है कमियां निकालने की। हाँ। ये नहीं ठीक हुआ या ये नहीं ठीक हुआ। एज ए डायरेक्टर जब ये आपसे कोई ऐसा बोलते हैं कि ये सीन सही नहीं हुआ, तो आपका रिएक्शन एज ए एक्टर वाला होता है कि चलो कोई बात नहीं दोबारा टेक करते हैं, कि पत्नी वाला होता है कि आया तो आपको तो कमियां निकालने की आदत है, असिस्टेंट तो वाह वाह कर रहे हैं, ऐसा? एकदम पत्नी वाला होता है। अच्छा, इसने तो मुझे एक्टर बनाया है। अच्छा जी, मैं ऐसे तो एक्ट्रेस नहीं थी, इसने बना डाला, तो रिएक्शन पत्नी वाला ही होता है। ओके। मैं बात नहीं करूंगी। एक बार कभी मैंने बोल दिया था, अच्छा बात ही नहीं हो रही है, वो शूटिंग ही नहीं हो रही है, तो मैंने बोला सबके सामने मत बोलो। अरे तुमने बोले यार एक्टर करके बोला, इधर कौन सी मेरी बीवी है, तुम एक्टर हो, ये सबके सामने नहीं बोलेगा। मैं बोला अच्छा, हर शॉट में थोड़ी बाजू चल इधर आ जा। जिनको तो पता है वाइफ वो तो ठीक है। हाँ। तो कोई और देखे बोले डायरेक्टर थोड़ा हीरोइन पे लाइन मार रहा है। तो मेधा आप अपनी फिल्म में एज ए एक्टर अपने सीन पे ध्यान देती थी कि आपका ये भी ध्यान रहता था कि पति का कहीं और सीन तो नहीं चल रहा ऐसे, मतलब पूरी सतर्क रहती हैं आप? एकदम, लेकिन चांस ही नहीं मिला है अभी तक। पकड़े नहीं गए कभी? नहीं पकड़े नहीं गए अभी तक, नहीं पकड़े गए। तो सर क्या फायदा हुआ इतने बड़े डायरेक्टर होने का? ओह, अच्छा मेरा मैम, सर ने तकरीबन हिंदी फिल्मों में तो बहुत सारे विलेन वाले कैरेक्टर किए हैं, आपको इनके अंदर का हीरो कब नजर आया था पहली बार? हीरो महेश ने ना मुझे ब्लड से लेटर लिखा था, खुद के ब्लड से, तो तभी मेरे को वो हिंदी वाला हीरो उसमें नजर आया। पर आपको कैसे पता लगा कि खुद का ही ब्लड था? अभी तब भी से मैं उसको इतना ट्रस्ट करती हूँ ना, कि तभी भी मैंने ट्रस्ट किया ये खुद का ही ब्लड होएगा। सो स्वीट है, आप अच्छी है, नहीं तो और कोई होता तो जाके सैंपल चेक करा लेता कि चेक करो उन्हीं का ब्लड है कि किसी और का। हो सकता है आदमी जाके चिकन शॉप से लेके आए थोड़ा सा, ये भी तो हो सकता है सर, लोग करते ही। सर मैं आपसे एक दूसरे के बारे में कुछ चंद सवाल पूछता हूँ, कभी झगड़ा हो जाए दोनों में, मियां बीवी में अक्सर हो जाते हैं, सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? आई विल टेल यू ऑनेस्टली, सॉरी ये बोलती है। अच्छा, प्रॉब्लम ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स झगड़ा होता है तो सॉरी बोलने के जो अभी सॉरी बोल क्या फायदा? अच्छा, पहले करना ही नहीं था, नहीं बोला तो तुमको सॉरी बोलने को भी नहीं आता है। सो आइदर वे सॉरी बोलो या नहीं बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तकलीफ तो होने वाली है। राइट। अच्छा, बट मोस्टली शी सेज सॉरी। सो स्वीट। सर तैयार होने में सबसे ज्यादा वक्त कौन लगाता है? एक्चुअली आदमी तो क्या तैयार होना था, कपड़े जींस पहनी शर्ट पहनी वही है। जब महेश बाथरूम में जाता है तो कम से कम 2 घंटे। हैं? क्रिएटिव आदमियों को आइडिया सारे वहीं आते हैं तकरीबन। बड़ी बेस्ट। बट बाकी तैयार होने में नहीं, बाहर आया तो 3 बाहर आया तो 3 मिनट। नींद किसको ज्यादा आती है? आजकल। अच्छा। खराटे ज्यादा कौन मारता है? खराटे दोनों। दोनों सो रहे हो, पता कौन चलता है कौन मार रहा है? अच्छा, दोनों को आपको एक एक अच्छी आदत और एक एक बुरी बतानी है अपने बारे में। महेश सर की कोई भी अच्छी आदत? यू नो महेश कोई भी चीज बहुत इंटरेस्टिंग करके बताता है। अच्छा, एक नींबू शरबत भी चाहिए ना तो उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाएगा ना
कि किसी को भी पीने को मन करे. अच्छा. सो दैट इज अ डायरेक्टर इन डायरेक्टर ना. नरेशन अच्छी है. नरेशन अच्छी है उसकी. और बुरी बात? बुरी बात उसकी ड्राइविंग. तो महेश सर का लुक कैसा है? मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ी देर में पिस्तौल निकाल लेंगे. पता नहीं क्यों. अरे नहीं बदल ऐसे. मेहता जी की कोई अच्छी बात? शी इज अ वंडरफुल होस्ट. अच्छा. और बुरी बात, अगर एक बात बतानी है तुम्हें कि मैंने उसको पूछा कि आज कहाँ गई थी, तो मैं आज पार्लर गई थी. अच्छा. तो वो होता है कि मैं सवेरे उठी, अरे आप भी कहाँ गई थी? फिर वहाँ गई, फिर मैं वहाँ से टैक्सी किया, फिर वहाँ गई. अरे बोलो ना बात. कहाँ गई थी? तो मैं पार्लर गई थी, इतना आंसर होना चाहिए ना जी. फिर मैं कल रात को जब सोई, फिर मैं उठी सवेरे, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये हुआ. अरे मैं कहाँ गई थी? पर ये आपकी ऑनेस्टी देख के, वो भी उनके सामने आप बेबाकी जवाब दे रहे हैं. सर घर जाके अपना ध्यान रखिएगा. अब वक्त है कुछ और कलाकारों को यहाँ पे इनवाइट करने का. मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी ब्यूटीफुल खल्लास गर्ल ईशा कोपीकर, वर्सेटाइल एक्टर सचिन खेड़ेकर और मराठी सिनेमा के उभरते हुए सितारे आकाश तोसर का जोरदार स्वागत. जोरदार तालियां. सर हाउ आर यू? वेलकम सर. कैसे हैं आप? वेलकम ईशा. वेलकम आकाश. कैसे हैं आप? जोरदार तालियां सबके लिए. आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. आइए विराजमान हो जाइए. पाजी ईशा को तो आप जानते ही हैं काफी सालों से. 10 साल पहले भी घंटियां बजती थी दिल की, आज भी देखा तो दिल की टुन 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 टुन. बैकस्टेज अभी सिद्धू पाजी से मुलाकात हुई ईशा की. ईशा जब मिलके चली गई तो मेरे को आराम से कहते कहते पता मैं इसका दीवाना हुआ करता. अरे नहीं अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ भाई. इतना सीरियस क्यों हो गए? जो बात सुमड़ी में घुमड़ी है उसको बाहर क्यों निकाल रहा है? आपने ये बात बोल के पक्का कर दिया कि आपने कहा था. तो ईशा सबसे पहले तो बताइए किस तरीके का किरदार है आपका? यंग टीचर हूँ मैं और फिल्म में एक्टिंग करने की कोशिश कर. मुझे तो पता है, मैंने तुम्हें जानबूझ के पूछना था. पाजी देखो ऐसी टीचर हो कहीं तो बच्चे तो गर्मियों की छुट्टियों में भी आके स्कूल में बैठ रहे. पाजी सचिन सर और महेश सर जो है इनकी बड़ी पुरानी दोस्ती है और इन्होंने साथ में जितनी भी फिल्में की हैं सारी की सारी सुपरहिट हुई हैं. सर ये आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जब पहली फिल्म हुई थी या हमारी फिल्म हमारी जोड़ी साथ में बड़ा वर्क करती है तो पेंशन प्लान तक साथ में रहेंगे ऐसा है कुछ सर? अरे हमको तो लोग बोलते हैं कि आपका नाम महेश जी के रेशन कार्ड में है. अच्छा. पर ज्यादातर फिल्मों में बड़े चैलेंजिंग रोल करते हैं सचिन सर, हालांकि आप इनका फेस ध्यान से देखो बड़ा धार्मिक से लगते हैं. मैंने बादशाह फिल्म में जब देखा और आप विलन का रोल कर रहे थे शाहरुख भाई के साथ, तो एक्चुअली तो आपको मेरे ख्याल से इसीलिए कास्ट किया गया होगा कि आपको देख के लगता ही नहीं है. एक्चुअली आप स्मगलिंग का काम बड़े आराम से कर सकते हैं, पता है आपको? कोई शक ही नहीं करेगा इनको. कितना तगड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया तूने. मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा बिकॉज मराठी सिनेमा जो है इतना बड़ा है और इतनी मजेदार इंडस्ट्री है और इतनी मजेदार फिल्में बन रही है. आप सबको श्रेय जाता है सर, आप सबने बहुत मेहनत की है उस चीज के लिए. इनकी पिछली फिल्म सैराट भाजी 100 करोड़ क्लब पार कर गई और ऐसी फिल्म की रात को 3-3 बजे उसके शो खुलते थे, लोग देखने जाते थे स्पेशली डिमांड के ऊपर. मैंने सुना है आकाश आपको बाद में जब फिल्म हिट हो गई तो 5 करोड़ रुपया भी मिला बाद में. नहीं नहीं ये आपने पिछली बार भी पूछा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ. मैं तब तक पूछता रहूंगा जब तक आप मान नहीं जाते. मजा आया आपको महेश सर के साथ काम करके? मजा तो बहुत आया. मतलब मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं अभी मतलब प्रॉपर आया हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ. क्योंकि मुझे लगता है मैंने सैराट में एक्टिंग की ही नहीं थी, मतलब जैसा था वैसा कैमरे के सामने जाके खड़ा था, वही चीज वर्क कर रही थी. हाँ तो अभी सीख रहा हूँ. तो पहली फिल्म में तो आप लड़की से बड़ा शर्माते थे. वो तो अंदर से आता था ना. अभी 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 जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है? मतलब अभी तो खुल के आ गए आप. मैं तो कोशिश कर रहा हूँ. अभी करते रहो कोशिश. कोशिश करने वालों की कामयाबी मिलती है, लगे रहना बस. अच्छा इस फिल्म में ना महेश सर के बेटे का किरदार है जो अपनी टीचर पे लाइन मारते हैं. तो सर ऐसे थॉट उन्हीं के मन में आते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ होता है. अभी मतलब ये ट्रैक कहाँ से आया आपके मन में? एक्चुअली यस इट इज अ ट्रूथ. बट मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए सब जाने ना उनको कभी भी स्कूल में हो या कॉलेज में हो फर्स्ट ईयर में जी अपने टीचर से प्यार जरूर हुआ.
होता है। जितनों की ताड़ी बजी है सबका हुआ है। हाँ। मैंने स्कूल में फ्रेंच लिया था क्योंकि टीचर बहुत खूबसूरत थी। फ्रेंच सीखी भी आपने? हाँ, फ्रेंच सीखी थोड़ी, बट फ्रेंच लैंग्वेज के फ्रेंच किस अपने फ्रेंच लैंग्वेज तो वो आई थिंक एवरीबडी जिसे जिन्होंने जिन्होंने फ्रेंच लिया था जी, नॉट जस्ट मी, एवरीबडी वाज इन ऑ ऑफ द फ्रेंच टीचर। वो बचपन वाला जो क्रश होता है वो अलग ही उसका चार्म होता है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर, मजा आएगा देख के। अच्छा, हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या लोग बोलते हैं कि प्यार अंधा होता है, कुछ बोलते नहीं होता है, आप में से किन किन को लगता है कि प्यार अंधा होता है? जैसे एक जी मैम, तो तैयार ही बैठे हैं सब। मेरा नाम सिमरन अरोरा है। हाय सिमरन। एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी, मेरी एक क्लासमेट थी एंड बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, स्कूल के सारे लड़के उस पे फिदा थे। अच्छा। और वो मैडम हमारे साइंस की सर थे, मेहता सर। अच्छा। तो वो मैडम उन पे फिदा थी और ही वाज ऑलरेडी मैरिड जो सर थे। अच्छा। और उसने 8, 9, 10, 11, 12 पांच साल सर के पीछे डाल दिए, लेकिन कुछ फर्क तो हुआ नहीं। तो सहेली का नाम लेके अपनी कहानी तो नहीं सुना रहे आप? नहीं, होता है कई बार की मतलब आपकी फ्रेंड थी। हाँ, मेरी फ्रेंड थी, पक्का मेरी फ्रेंड थी। और फाइनली उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी करवा दी। अच्छा। बट अभी भी उसका क्रश सर ही है। सो दैट्स व्हाई आई फील लाइक कि प्यार अंधा ही होता है। तो ऐसी कौन सी साइंस पढ़ा दी थी उन्होंने, मतलब क्या? बहुत ज्यादा खूबसूरत थे मेहता सर। सर ठीक ही थे, बट उसको हो गया था प्यार, तो हम क्या करें। क्या कह सकते हैं, दिल के तार हैं, किसी से भी जुड़ सकते हैं। दैट्स व्हाई अंधा होता है। और कोई हमारे दोस्त? हाँ मेरे भाई, आपको नमस्कार सर, मैं राजस्थान से मनोज लमोरिया। अच्छा। झुंझुनू जिला चिड़ाव से। तो हाथ पीछे क्यों डाला हुआ है? स्टाइल स्टाइल। लोग ऐसे झुके देखे हैं, मैंने ऐसे झुका हुआ बंदा नहीं देखा। हो जाता सर, प्यार में ऐसा ही होता है। मैंने भी किया है प्यार। अच्छा। तो ये आपका स्टाइल है, मैं हमेशा चश्मा लगा के रखते हैं? या आज कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। या द ब्यूटी मोस्ट, मैं यही कहना चाहूंगा बस। इंग्लिश इंग्लिश में। रेस्पेक्टेड सर, आई वांट टू से दैट दिस इज वेरी मोस्ट ब्यूटी गर्ल। और दो लाइनें और हो जाए, मजा आ जाए। आई वांट टू लव हिम सो मच बट आई कांट गिव हर। आज मुझे अपने आप पे गर्व हो गया है, मेरी बहुत लोगों से इंग्लिश ठीक है। तो अभी क्या करते हो आप यहाँ मुंबई में, क्या करते हो? मुंबई में सर स्ट्रगल कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ जिस स्कूल के आप प्रिंसिपल हो, क्या पता उसमें एडमिशन ही मिल जाए। तो स्वीट, लगे रहो, स्ट्रगल ये स्ट्रगल सारी उम्र चलती रहती है, बस लगे रहो, दिल से बड़े मौजी आदमी हो आप। ठीक है सर, कोई नहीं। चलिए, और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। नमस्ते सुद्धि जी। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? सर मुझे लगता है कि प्यार अंधा नहीं होता है। हाँ। अच्छा। हाँ। जी, क्योंकि अगर टाइम पास है तो फिर वो अंधेपन में हो सकता है, लेकिन अगर जिंदगी साथ में निकालनी है जी, तो फिर वो अंधा नहीं होना चाहिए प्यार। आप वाइफ के साथ आए हैं? जी बिल्कुल, वाइफ के साथ। इसलिए तो नहीं आपके विचार ऐसे हैं कि नहीं आपकी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज हुई? नहीं सर, अरेंज मैरिज है मेरी। तभी आपको लगता है कि प्यार सोच समझ के होता है? लेकिन शादी के बाद प्यार हुआ है सर, ऐसा हो गया ना प्यार। जी सर। अच्छी बात है। तो प्यार के सबूत कितने आपके? सर दो सबूत है। अच्छा जी। और काफी बड़े हो गए सबूत अभी। अच्छा, पक्के सबूत है? पक्के सबूत है, पक्के सबूत है। चलिए सर, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, सोच समझ के आपने किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर, बिग फैन ऑफ योर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी का बात बात में करें। कपूर शर्मा, एक लोटा पानी दीजिए। अरे वो चौराहे पे भीषण आग लग गया है, भीषण आग लगा है चौराहे पे। अबे चौराहे में लगी, तेरी धोती में थोड़ी ना लगी है। एक लोटे पानी से क्या होगा कपूर शर्मा? लोटा हमको, लोटे का पानी किसी और काम के लिए चाहिए यार, वो आग देख के हमारा पेट एकदम बिगड़ गया है। दीजिए। अरे गेस्ट आए हुए। लीजिए। अरे यार सॉरी, मैं हेलो पहुंची, आप लोगों को देखा ही नहीं। हेलो हेलो, मैं सब बच्चा यादव, मैं सब बच्चा यादव। हेलो हेलो सर, हाउ आर यू? अरे देखिए यार, इधर तो पहले से माहौल बना के बैठे हैं यार। ठीक है ठीक है, लोटा वोटा कैंसिल हो भी, देख के मजा आ गया हमको।
हेलो, कैसे हैं आप लोग? वैसे ईसा जी, ओहो, बहुत ही प्रेटी लग रही हैं आप। नहीं नहीं, सच में आपको एक बात बताएं, हमारे दिमाग पे काफी टाइम से एक सवाल चल रहा था क्या? कि आपके तो स्कूल कॉलेज के टाइम में आप बड़े आराम से ऐसे पास हो जाती होंगी। क्यों, तुझे कैसे लगा? नहीं नहीं, इनकी टीचर इनसे कहती होंगी, ईसा कॉपी कर, ईसा कॉपी कर। That was an educational joke. हम तुझे कैसे जॉक का एक माहौल शुरू करते थोड़ा। Thank you. लेकिन सर, महेश जी, आपने हमको पहचाना? नहीं, याद कीजिए, आप दबंग फिल्म में हैं। अरे दबंग में ये थे ना, तू थोड़ी ना था, तुझे कैसे पहचानेंगे? आप तो दबंग में मेधा जी भी नहीं थे, उनको पहचानते कि नहीं पहचानते? अरे वो तो उनकी वाइफ है। अगर ऐसा है तो ठीक है यार, इस साल से हम भी आपके लिए करवा चौथ का व्रत रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। बच्चा ये क्या पहन के घूम रहा है? ये यार हमारा दूल्हे का ड्रेस है यार, थोड़ी देर में हमारा शादी, अभी बारात आएगा, आप नागिन डांस करेंगे। बेकार का बात करता है यार आदमी, दिखाई नहीं दे रहा है। हम फायर ए ग्रेड ज्वाइन किए हैं। अबे फायर ब्रिगेड होता है ना, बी ग्रेड काम आप करते हैं, हम जो करते हैं ए ग्रेड होता है। और सर आज देखिए इधर, इत्तेफाक का बात देखिए, यहाँ पर महेश मांजरे जी भी है, सचिन खेड़े जी भी हैं, ईसा कॉपी जी भी है। अबे मांजरेकर साहब, खेड़ेकर, कॉपीकर, कर कर खाई गया तू? मार्च का महीना चला गया, कर तो इन्होंने भर दिया होगा, बचा ही नहीं ना। दिस वॉज अ फाइनेंशियल जोक। जोक जो है जरा इंटेलिजेंट लोगों के लिए, आपके बस का बात नहीं है सर, सॉरी। अच्छा तू इतना इंटेलिजेंट है, एक बात बता। हाँ बताइए सर। एक बिल्डिंग के 22वें माले पे आग लग गई है। लगी है। ठीक है, मान ले लिफ्ट भी नहीं चल रही, तो आग कैसे बुझाओगे? अबे ऐसे कैसे बुझेगी आग? आपने कहा मान लो आग लगी है, तो हमारी तरफ से भी मान लो के फूंक से बुझ गई यार, मान लो। आपका तीन चार फालतू बात हमने मान लिया, हमारा एक अच्छा बात आप भी मान लो। हेलो, क्या? ओहो, अपना ये क्या पटाखा का फैक्ट्री में आग लगा है? एक काम कीजिए, आसपास का बच्चा लोग को बुलाइए और कहिए एंजॉय। पानी का टैंकर लेकर क्यों आएंगे यार, सब पटाखा वटाखा बुझ जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा पटाखा? देखिए इस तरह एक गाली सुनने का हमको आदत नहीं है। SMS कर दीजिए, हम पढ़ लेंगे। ओके ओके लीजिए। वैसे ईसा जी, आप कहें तो इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें। चलो दीदी बोलो, निकलो। Yes, I like that. ये जो आपने बात बोला है ना, इस क्यूट से फेस से जल रहे हैं आप, हमें दिखाई दे रहा है। Do you need fire extinguisher? Actually, हमको जरा जल्दी है, जाना है आज। कोई नहीं, तू जा बच्चा। ऐसे कैसे चले जाए यार, जॉक्स सुनना है, जॉक्स। सर यहाँ पर क्या होता है हम आपको बताते हैं, हमारे पास एक जॉक्स का पिटारा रहता है, अभी क्या है कि बहुत फनी हो जाता है, बहुत ऐसा माहौल बन जाता है यहाँ पे, तो हम इनको भी बोलते रहते थोड़ा कॉमेडी कीजिए, मजा आएगा लाइफ में, सुनते नहीं है ये। तो एक जॉक्स पेश करते हैं, लेकर आए हैं। तो हमको बताइए कि ऐसे कौन सी दो चीजें हैं जो ब्रेकफास्ट में नहीं खाई जा सकती? लंच एंड डिनर। यार इसके लिए तो तोपों की सलामी देनी पड़ेगी यार। हम चलते हैं, थैंक यू वेरी मच, आप लोग से मिलकर बड़ा खुशी हुआ। ओके, आई हैव गॉट सम वर्क टू डू। ओके सी या। सचिन सर, हमने देखा आपने काफी सारे कॉमेडी कैरेक्टर्स भी किए हैं,
लेकिन जब भी आप मराठी सिनेमा में कोई फिल्म करते हैं, बहुत सीरियस इंटेंस रोल करते हैं, आप वैसे ही ऐसे हैं कि मराठी इंडस्ट्री ने आपको ज्यादा सीरियसली ले लिया है? अरे नहीं नहीं, हमको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है, हम बिल्कुल ऐसे नहीं है। अच्छा जी। बड़े फन लविंग है, लेकिन होता ये है हमारे यहाँ भेड़ चाल होती है जी, तो एक रोल कर लिया तो उसी तरह के रोल आते रहते हैं। ईशा सामने है यहाँ पे, आपको सर आप मौका तो मिलना चाहिए सर, अंदर से तो इंसान की भावनाएं जो होती हैं। अच्छा सर, आज कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज। So sweet, sir. सर आप जान गए होंगे कि आज तक हमको ये काम क्यों नहीं मिला। इतने इन्होंने अच्छे अच्छे किरदार निभाए ना कि गाना भी डांस किया तो 20 फीट दूर से। थैंक यू। जुम्मा कहेगी जुम्मा कैसे है, तो बगल में तो आओ। So sweet, थैंक यू सचिन सर। पाजी एक फिल्म आई थी नट सम्राट, बहुत ही बेहतरीन फिल्म सर, बहुत बहुत बधाई आपको उसके लिए। नाना पाटेकर साहब ने उसमें बहुत ही बेहतरीन काम किया है सर। जैसे आपका स्वभाव भी सुना है ऐसे, मतलब हमने देखा नहीं कभी कि आप जल्दी गुस्सा आ जाता है, नाना पाटेकर साहब को भी जल्दी आ जाता है, तो शूटिंग के टाइम के एक्स्ट्रा कूलर लगवाते थे आप तो दोनों ठंडे रहे? महेश ने एक आदमी रखा हुआ था। अच्छा। कि जब भी गुस्सा उतारना हो, अच्छा, या कुछ बोलना हो तो उसको पकड़ पकड़ के गालियां पड़ती थी। अच्छा। हाँ, एक सीन था जहाँ पे वो थिएटर में एक शो देख रहे और एक शो हो रहा है, तो रिहर्सल चल रही थी, तो मैं नाना जी को बोला कि थोड़ा सा मुझे लाउड चाहिए, बिकॉज यू वाज अ थिएटर एक्टर, तो थोड़ी सी लाउड एक्टिंग रही थी। तो बोले नहीं ये ठीक है। मैं बोला नहीं सर, आई वांटेड टू डू लाउड। तो बोले नहीं नहीं ये अच्छा है, क्या है? तो मैं बैठा थिएटर में और ये शो शुरू हुआ ऊपर का जी, नाना जी उधर बैठे थे, मैं उधर जब पीछे जाके बैठ गया, कैमरा रोल हुआ तो एक स्टेज पे एक एक्टर ने उसका फर्स्ट लाइन था कि यहाँ रखा था रुमाल तो गया कहाँ, तो उसने बेचारे ने बराबर लिया था ढंग से। मैं उधर से उठा, मतलब मैं डायरेक्टर हूँ मेरी बात सुनने का, बट यू आर नॉट डायरेक्टर, मतलब थोड़ा मार दूंगा तुझको। नाना बोला कि बाद में बोला कि देखो वो गाली मुझे देना चाहता था। पर ये आपकी दोस्ती है सर, अब फिल्म के पर्दे पे वो नजर भी आती है जो आप शिद्दत से काम करते हैं। अच्छा महेश सर, मेरे को ना मेरा बड़ा मन है कि मैं मराठी सीखूं, मुझे एक्चुअली मराठी सिनेमा इतना अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है कभी मराठी सीख के मराठी फिल्में करूं। तुम करना चाहिए मराठी सिनेमा में काम। कैसे, कौन देगा? ऑडिशन देना पड़ेगा, मैं दूंगा। पक्का सर? हाँ हाँ, मैं ऑडिशन दे देता हूँ सर, बताओ कभी कहाँ देना है? अभी अभी यहाँ करेंगे, अभी कर लेते हैं सर। हाँ तो क्या करेंगे जी, ये ईशा मेरी बेटी है। अच्छा। तो और हम पेरेंट्स हैं। ओके। तो यू आर हर बॉयफ्रेंड। ओके। अभी तो मैं आपके घर आऊं? हाँ, रिश्ता मांगने। रिश्ता। ओहो, आगे तो तुम पहले बोलो कि मैं बॉयफ्रेंड को लेके आई हूँ। तुम मराठी तो बोला पंडे? ओहो बोलते हैं। हाँ। हम दोनों साथ में आएंगे? हाँ, वो लेके आती है ना। अच्छा, ऑलरेडी वो लेके आएगा और कहाँ जाएगा? अच्छा। हाँ डैडी, मी माझ्या बॉयफ्रेंडला घेऊन आली आहे, कपिल जी। कपिल? कपिल नी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। आता तू तू विचार मला की मला तुमच्या मुलीशी लग्न करायचंय, मराठीत बोल, मला तुमच्या मुलीशी लग्न करायचंय। मला तुमच्या माल बहुत अच्छा, मला लग्न करूची, लग्न करायचंय। अच्छा, काय करतो काय तू? प्यार करतोय। प्यार करतो ठीक आहे, बाकी काय करतो? बाकी
हसी मजाक करतो पोटासाठी काय करतो पेट के लिए काय करतो पेट के लिए बाथरूम जाते सॉरी पापा मुझे खुद ही मना करतो पैसे कुठून कमवतो उसका कुछ पैसा नहीं मिलतो मग का द्यायची मुलगी आम्ही तुला क्यों फिर शादी करेंगे आपके साथ का तो आम्हा तुमची मुलगी मला तुमच्या मुलीशी लग्न करायचं आहे परवानगी देता का अच्छा सेम टू यू सर थैंक यू पाजी आपको महेश सर का एक और टैलेंट नहीं पता है ये गाते बहुत अच्छा है रियली आपने इस फिल्म में भी गाया है ना इस फिल्म में गाया मैं एफयू में भी गाया तो सुना दीजिए सर हमें माइक आपके बिल्कुल इधर ही है थैंक यू क्या बात है इस फिल्म में जो आकाश के साथ को स्टार्स हैं इनके फ्रेंड्स उन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत परफॉर्मेंस जो तैयार किया है तो हो जाए अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए प्लीज ओए आइए आइए प्लीज वेलकम एक बार जोरदार तालियां सब आर्टिस्ट के लिए भैया फूलों की खुशबू हवा के विपरीत नहीं जाती लेकिन मानवीय गुणों की खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाती है आज फैल गई है मराठी सिनेमा के गुणों की खुशबू गुरु चारों दिशा ब्रिलियंट फैंटास्टिक थैंक यू सो मच गाइस थैंक्स लॉट आइए वाह क्या बात है आज मराठी गाने में डांस कर रही सरला अरे क्यों नहीं मराठी फिल्म इंडस्ट्री से इतने बड़े बड़े स्टार्स आए तो पाजी मराठी डांस तो बनता है ना बात है क्या थैंक यू सो मच हेलो सो हेलो हेलो हाय आकाश काय झालं मस्त काय झालं तुम्ही मुंह धोला आज सरला बैठा इधर ये लड़की बड़ी टैलेंटेड है क्या मुफ्त का खाना खाने के लिए मराठी सीख ली इसने कप्पू गप्पा बस थप्पा बस चल फालतू में महेश सर मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा पाजी क्या कमाल की फिल्म बनाई है सर ने अच्छा महेश सर आपको पता है ये लाइन हर किसी को बोलती है ये हालांकि आपने सच्ची में अच्छी फिल्म बनाई है पर उस थोड़े दिन पहले बाबा रामदेव आए थे उनके कहती है अरे आपने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा पतंजलि का क्या कमाल की फिल्म बनाई है आपने जिसमें आप सेल्समैन बने थे कहते हमने आमला च्यवनप्राश इन सबको कास्ट क्यों किया क्यों ऐसे करती है तुम रहने दो कपू तुमसे बात ही करना बेकार है तो ऐसे अचानक से वैसे मराठी कैसे बन गई हाँ तो अचानक से ही बनूंगी दो साल पहले से बन के बैठ जाऊंगी क्या मैं कुछ भी बोलते हैं कपू तुम ना डिस्टर्ब मत करो इतने बड़े लोग आए थोड़ी बातें तो करने दो सर बिल्कुल बात मत करना बाद में बोलेगी मैंने आपका टाइम पास कराया लाओ मेरी बख्शीश ये ऐसा कपू तुम चुप रहो देखो ईशा मैम आप पहली बार हमारे शो पे आई है तो मेरे साथ एक कप कॉफी तो बनती है ना अभी आपको बोलेगी आपके साथ कॉफी बनती है उनके साथ लंच बनता है डिनर बनता है क्योंकि इनके घर में तो कुछ बनता नहीं है ऐसे ही एंजॉय कर जाती है देखो तुम ना मुझे मत बनाओ समझ में आया आकाश आप इतने कमाल के एक्टर हो कि आपकी फिल्म सैराट मैंने 50 बार देखी थैंक यू नहीं इतनी बार तो मैंने भी नहीं देखी फिल्म 50 बार कोई तो डायलॉग होना चाहिए 50 बार देखी फिल्म नहीं मैं बताता हूँ इसने कौन सा इसने टिकट खर्च करके तो देखी नहीं इंटरवल में जो समोसे बेचने आता ना इसका बॉयफ्रेंड है वो उस हिसाब से देख लेती है थोड़ा थोड़ा वैसे बेबी तुम्हारे समोसे बेचने गए नहीं ये फालतू की बातें करने और कुछ नहीं आता तुम्हें यार आकाश को देखो इतनी कम उम्र में कितना रोमांटिक है कुछ तो सीखो उससे उनकी हीरोइन भी देखो ना इधर देखो इधर ईशा कॉपी कर इधर उधर टाइम खोटी कर अल्लाह एक बात बोलूं वैसे बोलू? एक जगह से बड़ी अच्छी लगती है सच कहाँ से बहुत दूर से देखो तुम्हारी बातों में मैं भूल ही गई मैं पता है सबके लिए कुछ बना कर लाई वो भी अपने हाथों से वो एक मिनट हाँ ये रहा क्या बना के तुम्हारे चक्कर में ना मैं भूल जाती हूँ ये देखो मैं खास बना कर लाई हूँ अपने हाथों से दिखा इधर अरे वो ये दाल तो गुरुद्वारे में बनी हुई थी तुम्हें कैसे पता माथा टेकने गया था उधर मैं अच्छा लंगर लाना पाजी इनके बाएं हाथ का खेल है मैं बताता हूँ इनका 13 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है
ये एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, कहाँ पे लंगर लगा है, कहाँ पे शादी हो रही है, किनका खाना बच गया है। आपको पता है किसी लड़के के हाथ में कोल्ड ड्रिंक दिख जाए ना, इसको झट से दो स्ट्रॉ निकाल लेती, विल यू बी माई फ्रेंड, चलो। ये महेश सर, जब एक सुंदर लड़की होती है तो लड़की उसको देख के जनरली प्लान्स बनाते हैं। ये आदमी सिर्फ बातें बनाता है, वो बातें खत्म ही नहीं होती। अरे मैं एक बात तुम्हें बतानी भूल गया, कल ये ना जा रही थी सड़क पे, एक बच्चा लॉलीपॉप चूस रहा था, इसने देखा बस की खिड़की में से कूद गई, बच्चा रो ही जाए कहती नो रूल इज रूल, पूरा खा के उसको डंडी बेचारे को वापस दी, वो भी चबा गया थी, बीच में भी फंसा रहता करके। ऐसे काम क्यों करती है अल्लाह, कितने बातें बना लेते हो। अच्छा वो तो बताओ तुम्हारी फेवरेट, वो मेरे पत्ते खेलने वाली बात, वो भी बता दो। अच्छा यहाँ पे तो ऐसे बंठन के आती ना, जैसे बाहर निकलती ना, बाहर सारे ऑटो वाले उनके साथ ऐसे बैठ के पत्ते खेलती, चला ना चल रहा। पाजी आप देख लो, मतलब जो भी हो इसका ध्यान मेरे पे आजकल बहुत ज्यादा है, कुछ तो चल रहा है इसके मन में, तुम बता दो बस, क्लियर कर दो। वैसे सर आज ये मराठी कॉस्ट्यूम में आई है, बाहर कहीं घूमने जाते ना पंजाबी कुर्ते सिनवा रखे इसने। मैंने कहा ये क्यों पहनती है, कहती इसमें चावल ज्यादा आ जाते। अच्छा बता तो सही आज आई क्यों है। वैसे ईशा मैम मुझे ना लावनी बहुत पसंद है, एंड हमें पता चला है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता है, तो अगर आप हमें सिखा दे लावनी तो। क्या बात है यार, ठोको ताड़ी लावनी वाले। हाँ उनको आता है, आ जाओ एंजॉय। हाँ वसी तो हम साथ में सब कर ये है क्या यार, देखा मैंने पहले कहा था ये है लावनी, जो तू करी थी वो लहसुन नहीं था। यार तुम छोड़ो यार, तुम रहने दो। वैसे आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अरे खाना तो देखे जाए। नहीं इसमें था भी नहीं, ऐसे बोल रही थी खाली। तुम ना तुम यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं, जो भी आप बात करना चाहते हैं फटाफट अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, वन बाय वन सर। या सर अच्छा आप वही जो ऑडिशन देना चाहते हैं, और भी मेरे कोई दोस्त हैं जो ऐसे। अच्छा एक दो तीन, आप सब ऑडिशन देना चाहते हैं सर, ये आपको सर। आप डायरेक्टर हैं तो ये आपको ऑडिशन देना चाहते हैं, मौके का फायदा उठाना चाहते हैं बेसिकली। आइए आ जाओ आ जाओ, माइक ले आइए सर। तो वन बाय वन सर, आपका क्या नाम है? अनुपम। अनुपम, अनुपम जी कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से ही हूँ। अच्छा जी, तो आप ऑडिशन देना चाहते हैं? जी हाँ। तो कौन सा डायलॉग बोल के? मैं सर के वास्तव मूवी से एक डायलॉग बोलना चाहूंगा। क्या बात है, सो आई एम गेटिंग नर्वस, सो नो 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 प्रॉब्लम, एंजॉय यार। अक्का मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं जो, सॉरी आई जस्ट टेक दैट अगेन। इधर आ जाओ अनुपम, बैठो आप। तो आपसे शुरू कर लेते हैं, आप पहले इनका ऑडिशन देख लो, अगर इन्होंने खराब किया तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। जी सर, आपका क्या नाम है? मुदस्सर। मुदस्सर जी कहाँ से आए आप? मैं रहने वाला तो हापुड़ गाजियाबाद का हूँ। तो सोने वाले कहाँ? यहाँ का। जी तो क्या बोल के सुनाना चाहते हैं? सर की फिल्म का एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। वास्तव से ही है वो भी। अच्छा जी। क्या देखती है? ये देख 50 तोला माँ 50 तोला, और कुछ देखी? ये देख, इसको बोलते हैं घोड़ा। क्या? घोड़ा। और इसको बोलते हैं टिगर। क्या? टिगर। इसको उंगली को टिगर पे रखने का और तान देने का, जिसके सर पे तान देने का है। टिगर दबाया, खेल खल्लास। एक सेकंड रुको जरा, पुलिस स्टेशन। संजू बाबा आपका कोई डायलॉग खराब कर रहा है? But so sweet. Thank you, Madhusudan. Thank you. Thanks a lot. आइए अनुपम, अब आपकी बारी है। Sure. बैठ के enjoy. चलो कोई romantic डायलॉग है कि 50 तोले वाला सुनाना है? नहीं नहीं 50 तोले वाला romantic डायलॉग सुनाओ ना यार। अनुपम मुझे आपसे romantic डायलॉग सुनना है, पता नहीं क्यों। आप बोलिए कि तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी आंखों की मस्त नमकीन।
आपको बीपी का प्रॉब्लम है, नमकीन में आपको मुझे नहीं चलता। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरे हुस्न की बेपरवाहियां, तेरी हुस्न की बेपरवाहियां, मुझे काम में जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच अनुपम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए, अब है हमारे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट। हाँ हाँ बेटू खड़ा रहो। हाँ जी, डर लग रहा है बेटू क्या? अरे नहीं, बैठो आप। डर लग रहा है? इनका डर लगता है बाबा, कुछ भी बोलते आदमी की सब खिचड़ी बन जाती है यहाँ पर आने के बाद। तेरे ऊपर भारी पड़ेगा गुरु। इनमें टांगे डाली हुई कि नहीं? अच्छा है। तुम्हारी वास्तविक फिल्म मुझे बहुत पसंद है, संजीव बाबा का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। यह कि मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है जो अपन को नजर उठा के बात कर सके। पकड़ने की बात छोड़, कोई अपन को टच भी नहीं कर सकता, समझा? अक्के मुंबई पे राज करता हूँ, तू क्या समझेगी? छोड़ना माँ, ये देख 50 तोला है, 50 तोला। ध्यान से छाती ना तोड़ लेना कहीं। यार क्या दिख रही माँ? 50 तोला है, 50 तोला। माँ नीचे लेटी हुई है, सामने देख के बोलो ना। अच्छा एक बार फिर से, अक्की मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है जो अपन को नजर उठा के बात कर सके। पकड़ने की बात छोड़, अपने को कोई टच भी नहीं कर सकता। अक्के मुंबई पर राज करता हूँ, तू क्या समझेगी? छोड़ना माँ, ये घूर घूर की क्या दिख रही माँ? 50 तोला है, 50 तोला। और एक चीज देखेगी, इसको बोलते हैं घोड़ा, दो खोखे का है, इसमें बुलेट डाला, किटिन दबाया, आदमी पे लगाया, आदमी खलास। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्चुअली बहुत अच्छा था। क्या नाम है आपका? अशोक घाटे सर। अशोक, अशोक बहुत बड़े कॉन्फिडेंट हो यार आप। आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट देता हूँ, अल्ले क्या हीरा। सर हम लोग हमारे दर्शकों में जब कोई बहुत ही मनोरंजक कोई होता है तो हम उनको एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं, तो ये आपका फैन है, तो आपके हाथ से खूबसूरत मोबाइल। अरे मेरे भाई, अभी थैंक यू, शुक्रिया, ले जाओ आप ही का है। बैठिए सर। और कोई हमारे दोस्त है यहाँ पे? I would like to speak with Akash, come over there and maybe Sairat on the stage. हाँ जी मोहतरमा, ये हिंदी शो है। आकाश सैराट थोड़ा सा अपन दोगी? सैराट का स्टार्टिंग का सीन खो खो वाला। अरे वाह, काय बघतोय माझ्याकडे? खो खो बघतोय कधीपासून, डोळ्या पाहून पाकतोय माझ्याकडे। बघितलं मी तुला? तुला कसं कसं कळलं? तुला तुझ्याकडेच बघतोय? मी माझ्या डोळ्याने बघितलंय तुला, तू माझ्याकडेच बघतोय। तूच कशाला बघती? तू नको घे बघू। मी बघणार, मी काही पण करणार, तू राहू दे। मी पण बघल नाही तर काही करेल? तुला नसलं आवडत नको बघू की। मी कुठे म्हटलंय मला नाही आवडत? मुलगी शिकली, प्रगती झाली। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए आइए, फ्रेंडशिप अनलिमिटेड की पूरी कास्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आप सबके साथ एक सेल्फी हो जाए जरा, आइए। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सर एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। और ढेर सारी शुभकामनाएं एफयू के लिए, और आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। वो